ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था, और उस इंट्रोडक्शन में जो सबसे खास टॉपिक था वो त्रिकोणमिति अनुपात निकालना था, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जो भी फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक था वो मैंने पिछला वीडियो में बता दिया है। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 8.1 का। लेकिन 8.1 सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ खास चीज़ें देख लेते हैं, जिससे कि हम लोग 8.1 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। तो तीनों भुजाओं को पहचानने का ट्रिक तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन आज फिर से मैं एक बार रिकॉल करवाना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC, और इसमें कोण सी के लिए हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो क्या होगा, जब कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का बात हो रहा है, तो जो 90 डिग्री का जो सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होगा, और सी के जो सामने वाला जो भुजा होगा वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा, और बचा जो भुजा एक वो होगा क्या, आधार यानी कि बेस। उसी तरह हम लोग दूसरा फिगर देखते हैं, अगर सेम फिगर है लेकिन इस त्रिभुज में क्या निकालना है, कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। इस केस में आधार और लंब बदल जाएंगे लेकिन कर्ण फिक्स रहेगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो क्या होगा कि जो कोण के लिए हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, जैसे ए के लिए, तो ए का सामने वाला भुजा क्या होगा, BC, और BC क्या होगा, लंब, क्योंकि कोण ए का सम्मुख भुजा BC है और वो लंब होगा इस केस में। और 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण फिक्स है, वो तो कर्ण कभी बदलता नहीं है, लेकिन आधार और लंब बदलते हैं। जिस कोण के लिए हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बोलेगा उसके हिसाब से हम लोग का आधार और लंब बदलते हैं। तो बचा एक भुजा AB जो क्या होगा, आधार होगा। इस केस में हम लोग का आधार क्या होगा, AB, और इस केस में हम लोग का आधार क्या होगा, BC, और लंब क्या होगा, AB। तो केस वन के लिए त्रिकोणमिति अनुपात देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच होता है। तो इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि P कितना है, AB, और H कितना है, AC, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB बाई AC। उसी तरह कोस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, B बाई एच। इस फिगर में देखते हैं B कितना है, BC, और H कितना है, AC, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BC बाई AC। उसी तरह टेन के लिए देखते हैं क्या, टेन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, टेन के लिए P बाई B होता है। तो इस फिगर में देखते हैं P कितना है, AB, और B कितना है, BC, इसलिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, AB बाई BC। उसी तरह कोसेक क्या है, कोसेक साइन का जस्ट उल्टा, तो क्या हो जाएगा, साइन में जब P बाई H था तो कोसेक क्या हो जाएगा, H बाई P। तो बस वही भुजा का उल्टा कर देना है, वहाँ AB बाई AC था, यहाँ AC बाई AB हो जाएगा। उसी तरह सेक कोस का उल्टा है, मतलब कोस में B बाई H होता था तो सेक में क्या होगा, H बाई B होगा, वहाँ BC बाई AC था तो यहाँ क्या हो जाएगा, AC बाई BC हो जाएगा। उसी तरह टेन का उल्टा क्या है, कोट, तो टेन का फॉर्मूला क्या था, P बाई B, तो यहाँ क्या हो जाएगा, B बाई P। तो वहाँ पे AB बाई BC था तो यहाँ क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, मतलब BC बाई AB। उसी तरह हम लोग दूसरा केस में क्या देखते हैं, इस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई H। इस फिगर में P कितना है, BC, और H कितना है, AC, तो क्या हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, BC बाई AC। उसी तरह कोस के लिए क्या जानते हैं, B बाई H, तो B कितना है, AB, और H कितना है, AC, इसलिए कोस के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात फॉर्मूला क्या हो गया, AB बाई AC। टेन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, P बाई B होता है, तो P कितना है, BC, और B कितना है, AB, इसलिए क्या हो जाएगा, BC बाई। और कोसेक सेक और कोट जस्ट उसका उल्टा करते जाना है, मतलब साइन का उल्टा कोसेक, सेक किसका उल्टा है, कोस का, कोट किसका उल्टा है, टेन का। इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने से पहले और एक क्या चीज़ हम लोग को खास जानना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग को त्रिभुज की तीनों भुजाओं का वैल्यू पता रहना चाहिए, और तीनों भुजाओं क्वेश्चन में तीनों भुजाओं का वैल्यू दिया हुआ नहीं रहेगा, तीसरा भुजा हम लोग को निकालना है, और तीसरा भुजा निकलेगा कैसे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके निकलेगा, और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है। तो मान के चलते हैं कौन सी हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, कौन सी के लिए, तो उसके लिए P हो गया AB, और BC क्या हो गया, बेस यानी कि आधार, और AC क्या हो गया, कर्ण। तो इस पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में क्या होगा, H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, प्रश्नावली 8.1 का। अब प्रश्नावली 8.1 सॉल्व करते हैं NCERT मैथमेटिक्स बुक्स क्लास 10 का, जो हिंदी वर्जन है। तो क्वेश्चन वन क्या था, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, पहला में साइन A का त्रिकोणमितीय अनुपात, कोस A का त्रिकोणमितीय। दूसरा में क्या है, साइन C का त्रिकोणमितीय अनुपात, कोस C का त्रिकोणमितीय। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं, और जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे AB का वैल्यू 24 दिया हुआ है तो AB हम लोग 24 सेंटीमीटर लेते हैं, BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब निकालना हम लोग को क्या है, AC निकालना है। तो फिर क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC खींचा जिसका कोण B समकोण है, तो फिर इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और अब हम लोग को त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को तीसरा भुजा निकालना है। तो मान लेते हैं हम लोग
निकालना था, फिर दोनों कोण के लिए पाया था, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है कोण ए के लिए भी कोण सी के लिए भी। तो हम लोग सबसे पहले सी मान लेते हैं, इसके लिए हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात है क्योंकि हम लोग को तीसरा भुजा फाइंड आउट करना है। तो तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस केस में जो सी का सामने वाला जो भुजा होगा क्या हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो बच्चा एक भुजा वो क्या हो जाएगा आधार। तो क्या क्या है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच एच स्क्वायर कितना है एसी, एसी का स्क्वायर, पी पी स्क्वायर पी कितना है ए बी, तो ए बी स्क्वायर, और बी कितना है बी सी मतलब बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू पुट करेंगे 24, और बी सी का वैल्यू पुट करेंगे 7, और इसी तरह ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर मतलब 576, और 7 का स्क्वायर मतलब 49। दूसरा स्टेप में क्या है ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 625। अब ए सी का जो स्क्वायर था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 625 में, तो 625 को रूट निकालते हैं तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम लोग का क्या ए बी तो दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर, बी सी भी दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, और ए सी हम लोग निकाले कितना है 25 सेंटीमीटर। इस तरह हम लोग सबको समकोण त्रिभुज का तीनों भुजाओं का वैल्यू पता चल चुका है। इस प्रकार हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला था, साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बोला था, ए को निकालना था। तो यहाँ पे हम लोग साइन ए मान लेते हैं, यहाँ पे ए है, तो ए का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो कोण ए के लिए हम लोग का इसी फिगर में कोण ए के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बी सी, और 90 का सामने वाला कर्ण मतलब अब बी सी क्या है परपेंडिकुलर है, और ए बी क्या बन गया आधार इस केस में। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं पी बाई एच होता है। तो फिगर में देखते हैं पी कितना है बी सी और एच कितना है ए सी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बी सी बाई ए सी, बी सी का वैल्यू पुट करेंगे 7 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू पुट करेंगे 25 सेंटीमीटर। तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना निकला 7/25। उसी तरह कोस के लिए देखते हैं, तो कोस का फॉर्मूला क्या था बी बाई एच होता है, कोस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है। तो बी कितना था फिगर में, बी कितना था ए बी था, ए बी था, और एच कितना था ए सी था, मतलब ए बी बाई ए सी कोस के लिए फॉर्मूला। तो ए बी का वैल्यू पुट करेंगे 24 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं अभी 25 सेंटीमीटर। तो कोस का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना 24/25। अब निकालते हैं किसके लिए साइन सी के लिए। तो सी के केस में, सी के केस में हम लोग का परपेंडिकुलर कौन था ए बी था, और बेस कितना था बी सी था, और कर्ण तो वही था ए सी, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो साइन सी के लिए फॉर्मूला, साइन के लिए फॉर्मूला क्या जाता है पी बाई एच। तो पी कितना हम लोग का था ए बी, और एच कितना था ए सी, ए बी का वैल्यू पुट करते हैं 24 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू पुट करते हैं 25 सेंटीमीटर। साइन का त्रिकोण, साइन सी का त्रिकोण में तीन अनुपात फॉर्मूला कितना हुआ, वैल्यू कितना है 24/25। अब कोस सी के लिए देखते हैं, तो कोस सी के लिए कोस का फॉर्मूला क्या जानते हैं बी बाई एच होता है। तो कोस सी के केस में हम लोग का बी कितना था बी सी था, और एच कितना था ए सी था, इसलिए क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी। तो बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर था, ए सी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर था, तो कोस सी का वैल्यू कितना हुआ 7/25। इस तरह हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।